फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम का अपना फोटोन है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ई इज इक्वल टू एच न्यू भी होता है अगर फ्रीक्वेंसी के रास्ते जाना है, लेकिन यहाँ तो लैम्डा पता है, वेवलेंथ पता है। यहाँ पे एच एक प्रॉब्लम हो सकती है। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, तो रखो सब कुछ 6.6 इंटू 10⁻³⁴, 3 इंटू 10⁸ और नीचे आ जा रहा है 4000 इंटू 10⁻⁴। अब एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻⁰ यहाँ पे करना होगा। अब तो ये सारी चीजें आप जान ही गए हैं, तो और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 6.6 इंटू 3 की जगह इसको लिख लेता हूं मैं 30 और इसको कर दूंगा 10⁻⁷, 10⁻³⁴ यहां से, और 4000 को 4 इंटू 10⁻³ कर लिया, 10⁻⁻⁰। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये 7.5 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास काम क्या है कि हमें 6.6 को 7.5 में मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं भाई, 6 × 5 = 30, 3 × 7 = 42, 3 × 50 = 3 × 45 = 450, 0.549, 2 decimal 49.5, 49.5 इंटू 10⁻⁵। ध्यान से करेंगे तो करना इसमें यही होता है बच्चों, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन। अब तो बहुत चैप्टर्स में आप आगे आ चुके हैं, अगर आप सिलसिलेवार पूरी नूतन सॉल्व कर रहे हैं तो, कि जितने भी डिजिट्स हैं उनको पहले इस एक साथ कर दीजिए, सारे 10⁻⁵ को एक साथ कर दीजिए, वही किया गया है। तो 7 − 34 और नीचे से आ जाएगा −7 और ऊपर चला जाएगा तो +7, तो 7 × 7 = 14 यानी −20 हो रहा है यहाँ पे। इसको आप लिख सकते हैं 4.95 इंटू 10⁻⁶। देखिए इसे 10 गुना कम किया, इसे 10 गुना बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4.95 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, एक दो दो आंसर आपकी बुक में सबमिट किए गए हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये यूपी बोर्ड में आया था, बोर्ड एग्जाम में आया था, तो किसी ने जूल में आंसर निकाला होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकाला होगा। तो ये भी जान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम्ब, नहीं कूलॉम्ब नहीं जूल। ठीक है ना, तो जब जूल में ही है तो 1 जूल कितना होता होगा, इसी यही कर लो, चलो 1 जूल कितना होता होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, समझ गए, अब इसे यहां पे यूज कर सकते हैं आप। 4.95 इंटू 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है ना, तो अब 10⁻⁹, 10⁻⁹ कट जाएंगे, कुछ खास नहीं है, और ये हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चे को फ्रीडम थी, दोनों में से कोई भी आंसर हो करके आए। This question is done.